भाई ये नेगेटिव पीआर वाली कंट्रोवर्सी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चलिए बताते हैं आपको कि अभी मैंने आपको सुबह अपडेट दी थी कि फुकरा ने, अभिषेक ने डायरेक्ट ट्वीट करके पूछा है कि एल्विश भाई तुम किसकी बात कर रहे हो, सीधा नाम लेके बोलो क्योंकि लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो एक बार तुम नाम ले लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हमने जो बॉन्डिंग बिग बॉस के घर के अंदर शेयर की है वो बहुत अच्छी है और मैं उसको अच्छा बनाए रखना चाहता हूँ। भाई आज एल्विश का वीडियो आया है, हालांकि उसने इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट शेयर की थी जहाँ पे उसने ठोकने की बात की थी कि भाई हमें ठोकना भी आवे है, तू उतना ही भोक हमें ठोकना भी आवे, ऐसा कुछ करके उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था एल्विश ने। उसके बाद आज वीडियो एल्विश की आई है जहाँ पे एल्विश ने फिर से नाम नहीं लिया है, लेकिन ये डायरेक्ट मैसेज अगर आप वीडियो जाके देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि वो अभिषेक को ही पॉइंट आउट कर रहा है कि अभिषेक ने उसके बड़े भाई ने भी नहीं रोका। उसके मैनेजर ये कहते हैं कि हमने पीआर नहीं रखा है, लेकिन ये हर हफ्ते 2.5 लाख रुपए पीआर के खर्च करते हैं, ऐसा एल्विश ने बोला। उसके बाद से एल्विश का ये कहना था कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो भाई तुम अपने मैनेजर को रोक लो ना, जो ट्विटर पर बैठ के रोज ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहा है, तुम रोक सकते थे ना, लेकिन तुमने वो भी नहीं करा। कटारिया ने कहा कि भाई उसका बड़ा भाई भी तो रोक सकता था। तो इसका मतलब है कि ये सीधा टारगेट अभिषेक ही है और ये अभिषेक का ही नाम। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि एल्विश अभी तक नाम नहीं ले रहा है, एल्विश ने एक बार भी नाम नहीं लिया, हालांकि उसने बोला बहुत कुछ है कि हमें ठोकना आवे है, हम बेशक तुम इसे धमकी ले लियो, इस तरीके की बातें। लेकिन अभिषेक ने सीधा एल्विश को ट्वीट करके पूछा है कि भाई बता दे कि नाम किसका है, नाम बता दे क्योंकि लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, और एल्विश नाम नहीं ले रहा है। लेकिन एल्विश ने आज के वीडियो से आप एकदम श्योर हो जाओगे कि सच क्या है, और सच में ये अभिषेक की ही बात हो रही है। और इन दोनों के बीच में भाई अब क्या कहते हैं ना कि मुद्दा बढ़ चुका है, और जो भाईचारा हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा था अब वो तो बिल्कुल भी नहीं रहा है, इतना हम ज़रूर कह सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं कि अभिषेक आगे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि अभी तक अभिषेक ने कुछ भी ऐसा तो नहीं बोला है। अब पता नहीं, गॉड नोज कि किसने क्या किया है। लेकिन हाँ, नेगेटिविटी मैं सिर्फ एक की बात नहीं करूँगी, नेगेटिविटी सभी को मिल रही है। ये बिग बॉस जब से ख़त्म हुआ है उसके बाद से अब मनीषा, जिया, बेबिका, पूजा, मतलब सभी को, एल्विश, अभिषेक, सभी को नेगेटिविटी मिल रही है। कौन से लोग हैं, किसके फ़ैन, किसको जाके हेट दे के आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से भाई चीज़ें कंफर्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपको सच में देखना है तो आप जाके एल्विश का ब्लॉग देखो, आपको पता लगेगा वहाँ पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप अपनी राय देना कॉमेंट में।